शौकत अली पूछना चाहता हूं, मैम ब्रजभूषण की जगह पहलवानों के इल्जाम शौकत अली पर होते तो क्या वो भी ऐसे ही आजाद घूमते? हिंदू मुस्लिम करने की आदि हो चुकी मीडिया को जब एक मुस्लिम लड़के ने अपने सवालों से ऐसा फंसा दिया कि चित्रा त्रिपाठी जवाब नहीं दे पाई और उस सवाल पर मुंह खोलने के बजाय भागना ही मुनासिब समझा। जब पत्रकार और उसके आका आरोपी का धर्म देखकर, उसके कपड़ों को देखकर, उसके नाम को देखकर मुंह खोलते हो और डिबेट के नाम पर हंगामा खड़ा करते हो, जब उन्हीं पत्रकारों से आरोपी के धर्म को लेकर सवाल पूछा गया तो मैडम त्रिपाठी सक पका गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, जवाब देने के बजाय 9-2-11 होना ही चित्रा ने मुनासिब समझा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों का प्रदर्शन पिछले 1.25 महीने से लगातार जारी है। महिला पहलवानों पर दिल्ली पुलिस के अत्याचार के बाद भी ये मामला दबता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि हर दिन ये प्रदर्शन अलग ही रुख अख्तियार कर चुका है। ऐसे में सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि बताइए, भाजपा की सरकार एक बलात्कार के आरोपी को बचाने के पीछे क्यों लगी हुई है? और सवाल उस मीडिया से भी पूछा जा रहा है कि वो एक बलात्कार के आरोपी के समर्थन में क्यों खड़ी है। लेकिन इस सवाल का जवाब खोजने में इस देश के लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके समर्थन में भाजपा खड़ी हो जाती है फिर इस मीडिया की इतनी हैसियत नहीं बचती है कि वो उसके खिलाफ चली जाए। मीडिया को सत्ता के हाथों का खिलौना बना चुके लोगों ने एक बार भी ब्रजभूषण से सवाल तक नहीं पूछा है। सवाल के नाम पर ब्रजभूषण का सुधीर चौधरी का वो इंटरव्यू याद होगा जिसमें ब्रजभूषण के सामने उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, ब्रजभूषण के नाम के आगे जी लगाते हुए उसकी जुबान नहीं थक रही थी। ऐसे लोगों से हम भला क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो एक सवाल पूछने तक की हिम्मत दिखाएंगे? आपको याद होगा कि दिल्ली दंगों के बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने दंगाइयों को उसके कपड़े से पहचानने की बात कही थी। प्रधानमंत्री का इस स्तर तक जाना था कि इस देश की मीडिया गटर में चली गई। उसने डिबेट को उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर दिया। धर्म देखकर इस देश की मीडिया ने मुर्गे लड़ाने शुरू कर दिया। कपड़े देखकर इस मीडिया ने एक समुदाय को आतंकी, दंगाई और पत्थरबाज बना दिया। आरोपी का उर्दू नाम देख करके मीडिया नंगा नाचने लगती है, लेकिन जैसे ही आरोपी उस मीडिया में बैठे लोगों का वैचारिक भाई हो तो ये लोग बलात्कारियों को भी संत साबित करने लग जाते हैं। ब्रजभूषण के आरोप पर मीडिया में पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रहा है कि यह मीडिया जनता के मुद्दों की बात नहीं कर सकती है। यह मीडिया कभी भाजपा के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकती है। यह मीडिया भाजपा के आरोपी सांसद से एक सवाल नहीं पूछ सकती है, क्योंकि वो आरोपी इस मीडिया के लफंटरों का वैचारिक भाई है। और जब इसी बात को लेकर एक मुस्लिम लड़के ने चित्रा त्रिपाठी से सवाल पूछ दिया तो एसी कमरे में बैठी मैडम को पसीना आ गया और सवालों का जवाब देने के जाए भाग खड़ी हुई। दरअसल चित्रा से सवाल पूछते हुए शौकत अली ने कहा कि बताओ मैडम, अगर पहलवानों का आरोप ब्रजभूषण की जगह शौकत अली पर होता तो क्या वो भी ऐसे खुला घूम रहा होता? शौकत का यह सवाल पूछना था कि चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दिया जाए, तो जवाब देने के बजाय वो 5-10 सेकंड सोचने के बाद जब कुछ समझ नहीं आया तो करते हुए दूसरे सवालों की तरफ भाग खड़ी हुई। ऐसे में क्या यह सच नहीं है कि इस देश की मीडिया ने कैसे आरोपी का धर्म देखकर एजेंडा नहीं चलाया है? अगर वाकई ब्रजभूषण की जगह कोई मुस्लिम होता तो कैसे एक बलात्कार के आरोपी के नाम पर पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया जाता, एक आरोपी की जगह पूरे समुदाय को गाली दी जाती और गाली देने वाले लोगों को इस देश की मीडिया मंच देती? तो एक मुस्लिम लड़के के सवाल पर कैसे चित्रा त्रिपाठी फंस गई और जवाब नहीं दे पाई, उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।